शॉर्टकट करन तो पहला थानू मैथ समझना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट अपने आप तुसी बना सकते हो शॉर्टकट। बेटा जिन्ने भी पढ़ रहे हो, जिन्ने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कभी शॉर्टकट वाले तरीके च ना पाओ। पहला तुसी मेहनत करो, पहला समझो, बेसिक समझ लग गई, शॉर्टकट अपने आप बनना जाएंगे। और आपां जिहड़ी आपां सीरीज शुरू की है, आपां शॉर्टकट ही कर रहे हैं सारे, ठीक है। हाँ, बस मेहनत तो बहुत जरूरी है, ठीक है। हेलो गाइज, मैं हाँ अमित, एंड स्वागत है तुहाडा मेरी इस यूट्यूब चैनल के उत्ते जिहदा नाम है जी पाठशाला। सो जिद्दां कि तुहानू पता है, आपां ने एक सीरीज शुरू की हुई है मैथ की, मैथ की जीरो टू हीरो की एक सीरीज़ है जिहड़ी आपां स्टार्ट कर चुके हैं। तो उहदा ही एक फर्दर वीडियो जिहड़ी मैं लैके आया रेशो चैप्टर नूं कंप्लीट करन वास्ते। सो जिहड़े भी इस चैप्टर नूं पहली बारी कर रहे हैं, वो पिछलियां वीडियोज़ नूं देख के आउण, ते इह अपनी नैक्सट वीडियो होण वाली है अज की। सो इस दे विच आपां मेन टॉपिक जिहड़ा रहेगा वह किहड़ा रहण वाला बेटा जी, रेशो एंड प्रपोर्शन एंड इट्स टाइप्स। सो प्रपोर्शन ते उहदियां जिहड़ियां किस्मां ने उहदे बारे अज जाणांगे। सो ध्यान नाल स्टार्ट करदे हां इस क्लास नू। सो जिन्होंने इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया, सो पहला सबसक्राइब कर लो इस चैनल नू, ताकि तुहानू नोटिफिकेशन जरिए जिहड़ियां आने वाली वीडियोज़ का भी पता लग सके। सो सब तो पहला आपां स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन एंड इट्स टाइप। सब तो पहला बेटा जी, प्रपोर्शनस दे विच आपां नू समझण दी की लोड़ है, आपां सिर्फ तुहानू मैं समझाऊंगा ना, तुसीं नोट्स भी बना सकते हो। ए बी सी डी तुसीं सब तो पहला समझना है कि ए नू की कहने आपां फर्स्ट प्रपोर्शन कहने, इनू आपां कहने जी सैकेंड प्रपोर्शन, इनू आपां बोलांगे थर्ड प्रपोर्शन, एंड डी इज द फोर्थ प्रपोर्शन। पहला प्रपोर्शन, दूजा प्रपोर्शन, तीजा ते चौथा प्रपोर्शन। सैकेंड प्रपोर्शन हुंदा है, उहनू आपां मीन प्रपोर्शन भी कह सकते हैं। हुण देखो सिंपल है बेटा, बिल्कुल ही इनू ना, जे अगर आपां ने फर्स्ट सैकेंड या थर्ड तिन्नां दे विचों अगर आपां नू कुछ मर्जी पुछा आवे, तां आपां सिंपल जिहा एक ट्रिक लगाना, डेट इज़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। जिहड़ी चीज़ तिन्नां चों आपां नू पुछी हुई है वह आपां रख देनी उत्थे, ते बाकी चीज़ां आपां ने पुट कर देनियां ने, इहदे नाल आपां क्वेश्चन हिसाब नाल करांगे। सो अगर पहला प्रपोर्शन, दूजा प्रपोर्शन या तीजा प्रपोर्शन पुछया होवे, तां आपां ने ए फॉर्मूला लगाना, डेट इज़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तुसीं राइट डाउन कर सकते हो नाम नाल। नैक्सट हैगा जी फोर्थ प्रपोर्शन। सो फोर्थ प्रपोर्शन कढ़न लई अपने कोल डी भी आ गया विच, तां आपां की करना है ए बटा बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जिहड़ा है वो अपना एक फॉर्मूला या एक कंसैप्ट या एक रिलेशन बन जूगा। सो इस रिलेशन के जरिए आपां हुण क्वेश्चन कढ़न की कोशिश करते हैं, तो तुम भी नाल कोशिश करो। आई होप तुसी एक कॉपी ते एक पेन नू लेके बैठे हुए हो, अगर तुसी क्लास नू ज्वाइन कर रख्या तां नाल नाल तुसी भी क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है बेटा। सो आपां सब तो पहला आपां स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन तो, जिद्दां कि तुसी आई होप तुसी समझ गए होंगे। इहदे विच तुहानू मैं एक क्वेश्चन नाल जाणू कराउणा, उह क्वेश्चन हैगा अगर तुहानू दित्ता होया 4 ते 9, तां पुछया होया फाइंड मीन प्रपोर्शन। सो मीन प्रपोर्शन तुहानू पुछया, मीन प्रपोर्शन तो तुहानू पता लग गया होना कि मीन प्रपोर्शन साडा सैकेंड प्रपोर्शन है, विच वाला प्रपोर्शन है जिहड़ा, उहदी वैल्यू आपां कढ़नी है, यानी कि आपां बी दी वैल्यू कढ़नी है, ठीक है। ए हो गया पहला, बी हो गया दूजा, सी हो गया तीजा, ते डी हो गया चौथा प्रपोर्शन, ठीक है जी। सो जिहड़े बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन्हां लई भी मैं कहना चाहना ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट ने, जिहड़े पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हां लई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ने क्वेश्चंस, ठीक है। सो ध्यान नाल करियो, देखो इहदे विच आपां इहनूं की मन लेना है, ए ए की होगा, क्योंकि आपां नूं पुछया की है बेटा, बी पुछया, मीन प्रपोर्शन हुंदा है, ते ए की हो जाऊगा सी। तां हुण आपां क्वेश्चन आ जिहड़ा मीन प्रपोर्शन दे तरीके नाल ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी हो जाऊगा। हुण ए दी वैल्यू इत्थे किन्नी है, 4 अपॉन बी बराबर है बी अपॉन सी, दी वैल्यू किन्नी है 9, तो आप की कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बी स्केयर की वैल्यू अपने को कि आजगी 36, और बी की वैल्यू अपने को आजगी जी 36 का रूट, यानी कि 6 आंसर अपने को आजगा। सो आंसर यदा आजगा 6, क्योंकि 36 का जो रूट होंगे वह कि 6 आंसर होंगे, राइट। सो इस तरीके आप एक होर क्वेश्चन करवाने, थोड़ा ध्यान नाल देखियो बेटा, पूछा होया उहदे विच पुछा है 6 ते 24 का थर्ड प्रपोर्शन की होगा, थर्ड प्रपोर्शन। सो जिहड़ा थर्ड प्रपोर्शन है बेटा वह की है, थर्ड प्रपोर्शन तुहानू पता है कि ए पहला है, बी दूजा है, तो सी की है तीजा। तो आप थर्ड प्रपोर्शन पता करना, यानी कि सी की वैल्यू कढ़नी है, अपने को फॉर्मूला ए है बेटा। सो सिंपल जे तरीके पुट कर दो, बस सी की वैल्यू आप निकालनी है, ए दी आ होजूगी बी दी आ होजूगी, तो 6/24 बराबर है 24/C। तो हुण देखो सिंपल,
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 24 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, 24 ਗੁਣਾ 24 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਟਾ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ 6, ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਚੌਕਾ 24। ਹੁਣ 24 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਚੌਕੇ 16, 4 ਦੂਣੀ 8, 1 9, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 96। ਸੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥਰਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, 96 ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 8, 24 ਅਤੇ 36, 8, 24 ਅਤੇ 36, ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਏ ਹੈ, ਆਹ ਬੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੀ ਅਪੋਨ ਡੀ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8/24 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 36/D। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਡੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਟ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ। ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਕਰਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਫ ਏ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ, ਜੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3:4 ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਜਾਂ ਉਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 3:4, ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 15 ਐਡ ਕਰਤੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, 4:5 ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 3:4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3x ਅਤੇ 4x ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, 15 ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ 15 ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 15 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, 4:5 ਬਣ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 15x+15 = 75 ਬਰਾਬਰ 4 × 16 x+15 = 60 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਆਈ ਹੋਪ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 16 × 15 ਗਏ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਕੀਤਾ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮੈਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂਗੀ, 15 ਆਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 15, ਇੱਧਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ 15 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 15 × 3 = 45 ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 15 × 60 ਆਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 45 ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 60, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ 15 15, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 4:5। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ 3:4 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 3:4, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 4:5। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ,
चार तो किन्नी हो रही है, पांच हो रही है, किन्नी इनक्रीज हो रही है, दोनों केसां दे विच डिफरेंस की है सेम, तो मैं लिखे इतने डिफरेंस सेम, सो डिफरेंस दोनों विच की है सेम है एक है, तो एक की वैल्यू इतने किन्नी दी हुई है अपन, किन्ना इनक्रीज हो रहा है पंद्रह, कहने का मतलब की है रेशो के विच दोनों दे विच किन्ना इनक्रीज हो रहा है एक, अपन कितना दिता है पंद्रह, एक पार्ट की वैल्यू पंद्रह, पंद्रह ती है कितना हो गया पैंताली, पंद्रह चौके साठ, आई होप तुहानू क्लीयर हो गया होना। तीन रेशो चार, चार रेशो पांच, तीन ते चार किवें बनी एक ऐड करके, चार च पांच कितना बने एक ऐड करके, कितना बन गया एक पार्ट की वैल्यू पंद्रह होगी, पंद्रह दिया पैंताली बेटा पंद्रह चौके साठ, आई होप तुहानू यह कंसैप्ट क्लीयर हो गया होना। ये नाल दे क्वेश्चन थोड़ी जी वैरायटी होंदी है, मैं वो क्वेश्चन कराने की कोशिश करदा, आई होप तुहानू क्लीयर हो रहा होना नाल नाल, ठीक है। जिहड़े भी बच्चे नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहन कॉपी ते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला एक कंसैप्ट, ठीक है जी। हुण देखो ये थोड़ा जा अलग क्वेश्चन हो गया, देखो मैं जान के थोड़ा कट लिखिया, तुसी लिख सकते हो इफ ए रेशो बी, जेकर ए रेशो बी दी वैल्यू जिहड़ी है तीन रेशो एक है, तो वो रेशो जी दो रेशो एक बन जाती है, जो मैं वो कि ऐड करदा बी ऐड करदा उपर भी तो नीचे भी, देखो किमें बनूगा तीन रेशो एक, ठीक है किन्नी बन रही है दो रेशो एक बन रही है, किन्ना ऐड हो रहा है ट्वेंटी, तुसी इत्थे देखो कुछ ऐड हो रहा नहीं, कुछ घट रहा तीन चो दो मान के माइनस हो रहा है, इत्थे कुछ भी नहीं ऐड हो रहा, तो इनू सही करने लिए आपां की करांगे बेटा इत्थे क्लीयर करांगे, इनू क्लीयर करांगे, इहदी डिफरेंस किन्ना है दो दा डिफरेंस है, इहदा डिफरेंस किन्ना है एक दा, जो ये दो है ध्यान नाल सुनो, जो दो है उपरला उहनू थले मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे एक डिफरेंस आया उहनू उपर मल्टीप्लाई करना, कहता मतलब की है जो नीचे एक है उन्होंने उपर दोनों मल्टीप्लाई करना, उपर कि आ गया तीन रेशो एक आ गया, नीचे देखो दो दूनी चार, दो एकम दो, चार ते दो आ गया, इन्हें तुम दोबारा नहीं कट कर देना क्योंकि यही वैल्यू बन जूगी ना, अपने को रेशो आप बनाई है। हम देखो कंसैप्ट करने का तरीका है, ये एक ऐड हो रहा, ये भी एक ऐड हो रहा, एक ऐड हो रहा इतने किन्ना ऐड हो रहा है बी, जो एक पार्ट की वैल्यू बी आ गई तो तीन पार्ट की आऊगी बी ती साठ आ जूगी, तो बी एकम बी आ जूगी, देखो होर क्लीयर कर दें, यदी भी कट सकते हो तुम बी चौका अस्सी आजूगी, ठीक है इधर किन्नी आजूगी बी दूना चाली आजूगी, तुम ये भी देख लो हूँ चाली दे विच किन्ना ऐड हो रहा बी ऐड हो रहा अस्सी बन रहा, बी च किन्ना ऐड हो रहा चाली बन रहा बी हो रहा ऐड, ठीक है साफ साफ पता लग रहा है, यानी कि एक कंसैप्ट ना थानू एक कलैरिटी आजूगी, कलैरिटी इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं थोड़े लिए, ठीक है सो ध्यान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन थोड़े लिए हुण देखो इस क्वेश्चन दे विच की है बेटा, इहदे विच हैगा ए रेशो बी तीन रेशो चार दित्ती हुई है, तुहानू ए रेशो बी किन्नी दित्ती है तीन रेशो चार, उहदे विच अगर मैं छे ऐड करदा की करदा छे ऐड करदा दोनों दे विच तां रेशो किन्नी बणदी हुंदी है चार रेशो पांच, तां तुसी दसना नंबरस की होणगे, पहला जिहड़े नंबरस नी उह की होणगे ते बाद वाले नंबर भी तुसी दस सकदे हो, ठीक है आई होप तुहानू क्लीयर हो गया होणा, इह टाइप भी तुहाडे लई क्लीयर हो गई होणी। हुण चलदे आपां नैक्सट क्वेश्चन ते, हुण जिद्दां कि नैक्सट क्वेश्चन है बिल्कुल इदां ही क्वेश्चन करांगे आपां, ठीक है लेकिन की है थोड़ी जी वैरायटी मैं तुहानू दिखाना चाहुंदा क्वेश्चन की किद्दां होगी, तुसीं स्क्रीन ते देख सकदे हो, तुहाडे लई मैं क्वेश्चन शेयर करन लगा इस शीट दे उत्ते। क्वेश्चन है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो टू रेशो थ्री, जड़ के दो जने ने ए ते बी उन्हां दोनों की जिहड़ी है मंथली इनकम है जो उहदी रेशो दस रखी है किन्नी है दो रेशो तीन, अते उहदी जिहड़ी देयर मंथली एक्सपेंसिज आर इन द रेशो पांच रेशो नौ, यानी कि जिहड़ा उहदा खर्चा है वह दस्या होया पांच ते नौ है। इफ ईच ऑफ दैम सेव्स रुपीज़ 600 रुपए, अगर दोनों जने की करते हैं 600 रुपए बचाते हैं मंथली, तो उन्होंने जिहड़ियां मंथली इनकम्स होणगियां वह की होणगियां, तुहाडे कोल ऑप्शनज भी दिख रखे ने, ए ऑप्शन पहला ऑप्शन दूजा तीजा ते चौथा, तुहानू चारे ऑप्शन भी दिख रहे होने स्क्रीन ते, ठीक है तुसी पॉज करके वीडियो तुसी इस क्वेश्चन नूं लिख सकते हो, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो वह स्क्रीनशॉट भी ले सकता क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पिछले पेपरों के आया भी होया, ठीक है तो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, आई होप तुसी उतार लिया हुण, तो आप क्वेश्चनज नूं करन दी कोशिश करते हैं। सब तो पहला अपने कोल ए ते बी दी रेशो दित्ती हुई है बेटा, वह किन्नी दित्ती है दो ते तीन, ठीक है सो दो ते तीन आपां नूं किहदी रेशो दित्ती है इनकम्स दी रेशो दित्ती है, ठीक है उस तो बाद आपां गल करिए एक्सपेंसिज दी रेशो किन्नी दित्ती है, अगर आपां एक्सपेंसिज दी रेशो करदे हां ए ते बी दी ही, ए किहदी सी बेटा सैलरीज दी, यानी कि इनकम दी रेशो, ठीक है दो ते तीन, अगर आपां एक्सपेंसिज दी रेशो दी गल करिए तां ओह आपां नूं दित्ती होई है पंज रेशो नौ, पंज रेशो नौ दित्ती हुई है, तो दोनों जने किन्ने रुपए सेव कर रहे हैं 600 रुपए की कर रहे हैं सेव कर रहे हैं, ठीक है एक छोटा जा फॉर्मूला है वह की होंगे इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। जे मैं इदा देखा सिंपल तरीके ना देखो बेटा, जे मैं इदा लिखा एक सिंपल जा कंसैप्ट तुहानू समझाना चाहना, एक बंदे दी कोई इनकम है उहदे विचों उहदी जिहड़ा एक्सपेंडिचर है खर्चा है उहनू माइनस करिए तां की बचदा है अपने कोल, सेविंग ही बचदी है ना, ठीक है। लेकिन दूजे पासे देखिया जावे, जे मैं इदा कहदा कि जी इनकम दे विचों मैं सेविंग पहलां कढ ली तो एक्सपेंडिचर जिहड़ा बचा होया मैं सारा खर्च करता, चीज़ तो इको ही है ना, सेविंग इधर रख दी एक्सपेंडिचर इधर चला गया। आई होप तुहानू क्लीयर हो गया हुण। तो इसे कंसैप्ट नाल आपां पिछला कंसैप्ट ला के चलते हैं, ठीक है। चलो देखियो ध्यान नाल इहनू, हुण उहदे विच की है 2x ते 3x, आपां पहलां इह मन के चलते हैं। 2x दे विचों की करदे आ, मैंने 600 माइनस करती, ध्यान देखियो उत्थे ऐड हो रहा सी, इत्थे की है माइनस हो रहा, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, 600 ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਤੇ 9 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, 5 ਤੇ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2:3 ਅਤੇ 5:9। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 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 ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 600 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, ਇਹਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 1 ਦਾ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨੀਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ 4 × 2 = 8, 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 9, 1 = 9। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 600 ਆ, 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂਗੀ, 200 ਆਜੂਗੀ ਨਾ। ਉਸ 200 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 8 × 2 = 1600 ਅਤੇ 12 × 2 = 2400। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1600, ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2400। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਜ਼ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼।